मेरे पाकिस्तानियों, पिछले 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब से 30000 अरब रुपए पर पहुंचा। इसका अवाम को क्या नुकसान हुआ कि जो हम सालाना टैक्स इकट्ठा करते हैं, जो है तकरीबन 4000 अरब रुपया, उसमें से आधा टैक्स तकरीबन 2000 अरब रुपया सिर्फ इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जाता है। जो बाकी पैसा बच जाता है उस पर ये मुल्क नहीं अपने खर्चे पूरे कर सकता। पाकिस्तानी वो कौम है जो बदकिस्मती से दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं, लेकिन उन चंद मुल्कों में से हैं जो सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं। और ये वो कौम है जिसमें सलाहियत है, और अगर जज्बा आ गया तो कम अज़ कम हम 10000 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं हर साल। इसलिए मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूँ कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं, इसमें आप सब शिरकत करें, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं देंगे हम अपने मुल्क को ऊपर नहीं उठा सकते। हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा अगर हम एक अजीम कौम बनना चाहते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। 30 जून तक आपके पास वक्त है कि अपने असासे, अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट्स, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर करें। 30 जून के पास आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और ये याद रखें, ये आज जो हमारी गवर्नमेंट है इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, कभी पहले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थी।